हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवीपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज मैं आपके पास आया हूँ नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में बात करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आ सकती है और आपको अभी अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का ट्रेंड रहा है वो जुलाई में नोटिफिकेशन आती है हर साल, तो इस बार भी नोटिफिकेशन जो है जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है और आप अपना नोटिफिकेशन की वेट नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही रेडी रखनी है, यानी प्रिपरेशन करती रहनी है, ताकि आप आपकी जो सिलेक्शंस है उसमें कोई बाधा ना रहे और अपने सिलेक्शंस को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिक्योर करें। ठीक है, तो उसके लिए ही आज मैं बात करूंगा कि जैसे कि मैंने एक इससे पहले जो वीडियो आया था मेरा, उस एआरडी के रिगार्डिंग था। एआरडी आप किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो ओवीपीडिया के साथ, वैसे ही मैं आज बताने वाला हूं कि ईएसआई यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ किस टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो बड़ा ये जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एआरडी हो चाहे वो ईएसआई हो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चाहे वो फेज़ वन हो, फेज़ टू हो, फेज़ टू की ऑब्जेक्टिव हो, फेज़ टू की डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आपको इवन आपकी इंटरव्यू हो, ठीक है, तो वो सारे एग्ज़ाम्स में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ईएसआई। तो ईएसआई को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो मैं आपको बता दूं कि आप टॉपिक वाइज हमारे पास कर सकते हो। तो सबसे पहले पूरा ईएसआई सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके अलावा ईएसआई को आप क्या कर सकते हो टॉपिक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से कर सकते हो, और मैं इसका जो जो हमारा ईएसआई का टॉपिक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे सकता हूँ, दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि सर्च करना है आपको क्या, गूगल पे abhipedia.abhimanyu.com। उससे क्या होगा कि हमारा जो पोर्टल है वो खुल जाएगा और उसके बाद आपको करना है चूज एग्ज़ाम। चूज एग्ज़ाम के बाद आपको जाना है नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर, इस पर क्लिक करोगे हमारा नबार्ड का जो पोर्टल पेज है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा माइक्रोवर्स। ये माइक्रोवर्स क्या है, माइक्रोवर्स एक माइक्रो कोर्सेज का एक यूनिवर्स है पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के हम लोग टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है और टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब पूरा एक साल दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका लगभग 70% जो है प्रिपरेशन होती है हर एक सब्जेक्ट में। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि आप कुछ जो सब्जेक्ट मान लो कि एआरडी की 70% आपको प्रिपरेशन किया हुआ है, अब 30% आपको बचा हुआ है प्रिपरेशन आपका, तो उस 30% पर्टिकुलर 30% जहाँ जहाँ पे भाई आपको लैक लग रहा है कि इस टॉपिक को तैयार करना है, इस टॉपिक को तैयार करना है, तो उस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो। चलिए दिखाता हूँ कैसे। इस माइक्रोवर्स पे क्लिक करेंगे हम लोग, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, इंग्लिश लैंग्वेज फेज़ वन, इंग्लिश लैंग्वेज फेज टू, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट आ जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएसआई पे, यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ में टॉपिक वाइज हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है, टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि क्या है, नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी में, देखा गया है जो ट्रेंड आया है आपका मतलब नबार्ड में, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो ओनली 189 रुपीज़ में, और इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, वेबनोट्स मिलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि आप सबसे पहले क्लासेस लगाओ, क्लासेस लगाने के बाद वेबनोट्स पढ़ो और उसके बाद अपने आप को ट्राई करो। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने का बेस्ट तरीका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए कि आपने जो पढ़ा है क्या मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें मल्टीपल माने 360 डिग्री प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको प्रिपेयर कर सकते हो आप छोटे छोटे टॉपिक, टॉपिक वाइज इस टॉपिक को सिर्फ तैयार कर सकते हो। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर 70% तैयारी हो चुकी है तो आप टॉपिक वाइज 30% कौन सा टॉपिक आपका बचा हो वो भी तैयार कर सकते हो। बाकी आप पूरा तैयार करना चाहते हो तो ये आपका बंडल कोर्स भी आता है, यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, देखिए यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉवर्टी, उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके बाद जितने भी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, लेबर पॉलिसीज, ठीक है, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी टॉपिक हैं आप उस टॉपिक को एक एक करके आप तैयार कर सकते हो और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे, जैसे कि 163 163 रुपीज़, 153 रुपीज़, इस टाइप से टॉपिक है वहाँ पे आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 7833773651 पे, और इस कोर्स का लिंक जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का माइक्रो कोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑल बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।